11th क्लास। आज बेटा हम जो है अपना अधिकार चैप्टर जो है चैप्टर 5 इसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का जो है हमारा टॉपिक रहेगा कर्तव्य यानी कि ड्यूटीज। देखो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ड्यूटीज। ड्यूटीज जो है सभी को क्या चाहिए, राइट्स सभी को चाहिए, लेकिन अगर ड्यूटीज किसी को नहीं चाहिए तो ये ऑटोमेटिकली बात हो जाएगी बेटा कि अगर ड्यूटीज कोई नहीं करना चाहता है तो ऑटोमेटिकली राइट्स उसको नहीं मिलेंगे। ठीक है, देखो एक आदर्श समाज में केवल अधिकारों की व्यवस्था ही काफी नहीं होती है, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है कि हर व्यक्ति अगर केवल अधिकारों की ही बात करता रहेगा और कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं रहेगा या कर्तव्यों को जो है पूरा करने के लिए नहीं सोचेगा तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में जो है कहीं ना कहीं क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अगर इसी विचार से काम करने लगे कि उसे केवल अधिकार चाहिए और कर्तव्यों की पालना वो नहीं करना चाहता है तो इससे क्या होगा कि इससे जो है ये इस प्रकार से जो कर्तव्य होते हैं वो कर्तव्यों के अभाव में क्या होगा जो अधिकार होंगे वो अमर्यादित और निरंकुश शक्तियों का रूप धारण कर लेंगे। ठीक है, यानी कि वो जो कार्य होंगे वो सब क्या बन जाएंगे, वो सब कार्य जो है उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई लिमिटेशंस नहीं रहेगी, जिसका जो मन करेगा वो उसी तरीके से काम करेगा। समाज में रहकर के बेटा केवल अपने हितों की पूर्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि दूसरों के हितों की पूर्ति के बारे में भी सोचना पड़ता है या सोचना आवश्यक होता है। ठीक है, और लेकिन अगर कर्तव्यों के बारे में हम नहीं सोचेंगे और केवल अधिकारों की ही मांग करते रहेंगे तो ऐसे में क्या हो जाएगा जो समाज होता है उसमें निर्धन असहाय और कमजोर व्यक्ति का क्या होगा, शोषण होगा और वो अपना अधिकतम विकास क्या उसका वो अपना न्यूनतम विकास भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए कर्तव्य ही क्या है, कर्तव्य ही अधिकारों को सामाजिक एवं सर्व कल्याणकारी बनाते हैं। तो कर्तव्यों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके बाद मीनिंग ऑफ द ड्यूटी के कर्तव्य का क्या अर्थ होता है। देखो कर्तव्य शब्द जो है शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के डेबिट से हुई है जिसका अर्थ है ऋण, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति समाज या समाज से उत्तम जीवन व्यतीत करने हेतु कुछ सुविधाएं प्राप्त करता है और इन सुविधाओं को ही अधिकार कहते हैं। ठीक है, यह आपने पहले भी मैंने आपको बताया है कि कुछ जो है कुछ विशेष सुविधाएं जो होती है कुछ विशेष कार्य करने के लिए अवसर जो होते हैं उन कार्यों को संपन्न करने के लिए अवसर और सुविधाओं की जब इंसान को प्राप्ति होती है तो वही क्या कहलाते हैं, वो उसका अधिकार कहलाता है। ठीक है, तो यदि देखिए सुविधाओं के लिए राज्य का ऋणी है तो इस ऋण को चुकाने के लिए नागरिक को कुछ कार्य करने की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो वो जो कुछ कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, उसके कर्तव्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यहां से याद कर लेंगे आप, ऊपर से थोड़ा सा यहां से करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहां से के ऐसे कहा जा सकता है कि व्यक्ति के अपने दावे अधिकार हैं और दूसरों के प्रति दावे कर्तव्य है। जो हम दूसरों से आशा करते हैं वे हमारे अधिकार होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि जो हम अगर समाज में ये चाहते हैं कि हमारा अधिकतम कल्याण हो तो उसी जो है उसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए दूसरों के अधिकारों का दूसरों के जीवन का भी ध्यान रखना है। तो जब हम जो इस दृष्टिकोण से कार्य करते हैं, जब इस सामाजिक दृष्टिकोण से हम कार्य करते हैं कि सभी के अधिकारों के विषय में सोचते हैं, सभी के विषय में सोचते हैं, तो हम निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों का भी पालन करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपकी बुक में कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। जैसे बेटा आपने कॉइन देखा है, सिक्का देखा है, उसके अंदर क्या सिस्टम होता है कि जो कॉइन होता है उसके अंदर हेड एंड टेल दोनों ही होता है। तो अगर मान लीजिए बेटा एक तरफ से भी वो ब्लैंक है, ठीक है, एक तरफ से भी वो क्रश है, उसके अंदर कुछ भी नहीं छपा हुआ है, तो क्या वो मार्केट में चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सेम टू सेम क्या है कि अगर आपको अधिकार चाहिए तो आपको कर्तव्यों का पालन करना ही होगा और अगर आप कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तभी आपको अधिकार मिल पाएंगे। तो ये दोनों ही क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर अधिकार चाहिए तो कर्तव्यों को भी पालन करना पड़ेगा और अगर कर्तव्यों का पालन करोगे तभी आपको अधिकार मिलेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति का जो कर्तव्य है वही कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति का अधिकार है और जो एक व्यक्ति का अधिकार है वही दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। इस तरीके से जो है समाज में चलता है। देखो इसके बाद जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्यूटीज, कर्तव्यों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से, सबसे पहले मॉरल ड्यूटीज और जो है अगली है लीगल ड्यूटीज। बेटा ये जो है आपका लास्ट ईयर 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था कि कर्तव्यों के विभिन्न प्रकार बताइए, तो उसमें जो है 2 नंबर में अगर आपको क्वेश्चन आता है कर्तव्यों के विभिन्न प्रकार बताइए तो आपको इसी तरीके से करना है, नैतिक कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य।
तो नैतिक कर्तव्य तो जैसे आपको जो है समाज में रहने के जो है नाते हर व्यक्ति को पता होता है, जो भी उसकी मॉरल ड्यूटीज हैं, समझ गए मॉरल ड्यूटीज क्या होती है, जैसे सत्य बोलना, माता पिता की सेवा करना, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना, अच्छा व्यवहार करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, ठीक है, इस तरीके की चीजें जो हमें समाज में रहने योग्य बनाती हैं, ठीक है। हाँ, तो इन चीजों को जो है हम नैतिक कर्तव्य कहते हैं। देखो नैतिक कर्तव्य क्या है, अगर हम इनका पालन भी नहीं करेंगे तो भी हमें समाज दंड नहीं दे सकता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज क्या करता है, समाज ऐसे व्यक्ति की निंदा करता है जो नैतिक रूप से अपने कर्तव्यों की पालना नहीं करता है, ठीक है, तो उसको समाज में प्रॉपर सम्मान नहीं मिलता है। तो ये सबसे बड़ा जो है, मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी होने के अंतर्गत जो है उसको समाज में ही सम्मान ना मिले तो ये उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। दूसरा देखो कानूनी कर्तव्य, जैसे लीगल ड्यूटीज क्या कहते हैं, कि जिन कर्तव्यों को कानून के दावे से अथवा दंड पाने के भय से किया जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कि ऐसे काम जिनको हम इसलिए कर रहे हैं कहीं हमको पनिशमेंट ना मिल जाए, कहीं हमको दंड ना मिल जाए, ठीक है, तो उन कामों को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है उनके पीछे कानून की शक्ति काम कर रही है, ठीक है। तो जिन कार्यों को करने के लिए, जिन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जो है कानून का दबाव है या कानून की शक्ति, या फिर हम दंड के भय से वो कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो कार्य कैसे हैं, वो कानूनी कर्तव्य हमारे जो हमें पूरे करने होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इसके, के जैसे करों की अदायगी और कानूनों का पालन, ठीक है। जैसे अब मोटर व्हीकल अमेंडमेंट के बारे में आपने सुना था पीछे सी, अगर मान लीजिए कोई जो है रूल्स रेगुलेशन तोड़ेगा तो उस पर जो है फाइन लगेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे जो भी आप देखते हैं जिनके लिए दंडित किया जाता है, वो सभी जो है कानूनी कर्तव्य होते हैं। इसके बाद आगे देखो आधुनिक नागरिक के कर्तव्य क्या क्या है। सबसे पहले कानूनी कर्तव्य, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे सभी कर्तव्य जिनको करने के पीछे जो है कानून का दबाव होता है, ठीक है, अगर हम उनको जो है अगर हम उनको नहीं पालन करेंगे तो हमें दंड मिल सकता है, तो वो सभी हमारे कानूनी कर्तव्य होते हैं। इसमें देखो कि इनके पीछे राज्य की दंडनीय शक्ति होती है। तो सबसे पहला देखो राजभक्ति, ठीक है, पेट्रोटिज्म टुवार्ड्स स्टेट। तो अगर आप पेट्रियोटिक की जो भावना होती है, वो पेट्रियोटिज्म की जो भावना है वो आपके अंदर होनी चाहिए, राजभक्ति यानी कि देशभक्ति की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है इस तरीके से काम करता है जो राज्य के प्रति वफादार नहीं है, राज्य के प्रति जो है विश्वासघात का कार्य कोई करता है, ठीक है, तो उसे क्या है, उसे जो है आजीवन कैद से लेकर के मृत्यु दंड तक भी दिया जा सकता है। तो इसलिए जो है किसी भी नागरिक को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि राज्य को हानि हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो कर्तव्य कानूनों का पालन, ठीक है, ओबीडियंस टू लॉ, कि हमें जो है ऐसा होना चाहिए कि हमें कानूनों का पालन जो है स्वयं से करना चाहिए, क्योंकि कानून जो किस लिए बनाए जाते हैं बेटा, कानून जो है समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो है कानून जरूरी होते हैं, ठीक है। देखो कानूनों का पालन करने से जो है समाज में क्या रहता है, शांति व्यवस्था बन जाती है, सुखी जीवन की स्थापना होती है, और इनफैक्ट जो है सबसे अच्छी बात ये होती है कि सभी नागरिक, चाहे वो मानसिक शारीरिक रूप से कमजोर हैं, किसी भी तरीके से हैं, अगर सभी कानूनों का पालन करते हैं तो सभी अपने अधिकारों को सही ढंग से जो है उनका उपभोग कर पाते हैं और जीवन में अपना विकास कर पाते हैं, ठीक है। तो कानूनों का उल्लंघन करना राज्य का विरोध करना है, यदि कोई कानून अनुचित नजर आता है तो शांतिपूर्ण ढंग से सरकार को उसे बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने अभी देखा था पीछे से जो है जो हमारा CAA बिल के ऊपर हुआ था कितना ज्यादा, तो उसके लिए जो है शांतिपूर्वक ढंग से जो है प्रोटेस्ट किया जा सकता है लेकिन मारपीट नहीं की जा सकती है, ठीक है, ये चीज है कानूनों का पालन करना। अगला नेक्स्ट पॉइंट है शासन अधिकारियों के साथ सहयोग, के कॉपरेशन विद ऑफिशियल्स। तो जो भी नागरिक है उसका ये कर्तव्य होता है कि वह अपराधी की खोज, शांति की स्थापना, महामारियों आदि की रोकथाम में शासन के अधिकारियों की सहायता करें। जैसे अभी बेटा अभी वर्तमान समय में भी क्या हुआ हुआ है कि चारों तरफ जो है कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। तो इस लॉकडाउन में क्या है कि इस लॉकडाउन में प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो लॉकडाउन के नियमों का पालन करे और जो है वो घर के अंदर मैक्सिमम रहे, ठीक है, बाहर निकलता है तो भी जो प्रिकॉशंस उसको दी गई हैं उस हिसाब से बाहर जाए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, वो शासन अधिकारियों को जो है उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, आप सब बच्चों को पता है, ऐसे में क्या हो सकता है कि उनको दंडित किया जा सकता है, उन पर जो है जुर्माने लगाए जा सकते हैं, ठीक है।
तो इसी प्रकार जनहित में किए जाने वाले सरकारी कार्यों में भी सहायता करनी चाहिए, ठीक है, कि कोई जनहित में कार्य किया जाना है तो उसमें जमागोरी तथा भ्रष्टाचारी करने वाले लोगों की सूचना सरकार को दी जानी चाहिए। अगर कभी जो है मौका पड़ जाता है कहीं पर न्यायालय में गवाही देने का, तो वहां पर सच्ची गवाही देनी चाहिए, जिससे कि न्यायालय के कार्य में जो है न्याय करने में सहायता प्राप्त हो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा कार्य है जो सरकार की योजनाओं के अंतर्गत चला हुआ है, तो उसमें पर जो है आम व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग न करे और जो है अधिकारियों के साथ जो है एक सहयोग की भावना बना करके काम करे। उसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, करों की अदायगी, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। देखो टैक्स अगर पे किए जाते हैं तभी जो है राज्य के सभी जो है उसकी योजना के से संबंधित सभी कार्य पॉसिबल हो पाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि करों की अदायगी जो है वो क्या होनी चाहिए, वो जो है नागरिकों को एक कर्तव्य की तरह उसको टाइम पर जो है अपने सभी टैक्सेस को पे करना चाहिए, उसको भरना चाहिए, ठीक है। नागरिकों का यह कर्तव्य होता है कि राज्य की सेवाओं के बदले उसे करों के रूप में जो सहायता पहुंचाए, ठीक है ना। राज्य नागरिकों के जान माल की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि की व्यवस्था करता है। तो इन सुविधाओं को नागरिक तभी भले प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं जब करों का क्या रहेगा, समय पर भुगतान करा जाएगा। अगर करों की चोरी की जाएगी तो बेटा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है मताधिकार का उचित प्रयोग, कि सभी व्यक्ति को जो है मताधिकार का उचित प्रयोग करना चाहिए। इसमें जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार आदि की भावनाओं को नहीं अपनाना चाहिए और बुद्धिमत्ता पूर्वक जो है अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए, और जो योग्य व्यक्ति है उसी को अपना वोट दिया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिक्स पॉइंट देखो, सार्वजनिक सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, रेडी टू परफॉर्म पब्लिक सर्विस। के किसी भी व्यक्ति को जब भी जो है, अगर मान लीजिए कभी भी जो है ऐसा लगता है कि उसे सार्वजनिक सेवा के लिए जो है कुछ कार्य करना पड़ सकता है, तो उसे हमेशा अपने देश के लिए जो है हमेशा तैयार रहना चाहिए, ठीक है। ये स्थानीय एवं राष्ट्रीय सेवाओं संस्थाओं का सदस्य बनने की आशा की जाए तो उसे सदैव ऐसे कार्यों के लिए तत्पर रहना चाहिए। यदि वह किसी सरकारी नौकरी के योग्य हो तो उसे उसके लिए भी अपने आप को आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। सेना में भर्ती होना भी जो है ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा कानूनी कर्तव्य है कि अगर हमें क्या करना चाहिए, सेना में भर्ती होने के लिए भी क्या रहना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए। कि देखो राष्ट्र जो है, राष्ट्र सुरक्षित सुरक्षित होगा तभी जो है हम नागरिक सुरक्षित होंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपातकाल पड़ जाता है, आवश्यकता पड़ जाती है सेना में भर्ती होने की, तो ऐसे समय में घबराना नहीं चाहिए और सहर्ष जो है सेवा के लिए, राष्ट्र के लिए जाना चाहिए। उसके बाद देखो अगला पॉइंट है, राजनीति में बुद्धिमत्ता को कम लेना, सॉरी बुद्धिमत्ता से काम लेना। राजनीति में बुद्धिमत्ता से काम लेना का मतलब क्या होता है, कि जब भी जो है कोई भी राष्ट्रीय समस्याएं आ जाती हैं, ठीक है, तो ऐसी समस्याओं में जो है आप अपने खुद के विवेक से काम लीजिए। नागरिक को खुद के विवेक से काम लेना चाहिए, किसी के झूठे प्रचार से या किसी की झूठी सलाह से जो है झूठ इस तरीके से बहकावे में नहीं आ जाना चाहिए। सरकार जो भी कार्य कर रही है, जो भी कुछ जो है राजनीति के अंदर चल रहा है, उसको बारीकी से समझा जाना चाहिए। राष्ट्र विरोधी प्रचार रोकने के लिए उपाय करने चाहिए, और जो भी कुछ जो है, जैसे अभी CAA के पीछे देखो कितना ज्यादा जो है राष्ट्र के अंदर कुप्रचार फैला, सब कुछ फैला। तो जो इंटेलिजेंट जो है सिटीजन कौन है बेटा, इंटेलिजेंट सिटीजन वो है जो सारे तथ्यों को ढंग से समझे और उसके बाद रिएक्शन कर दे। ये नहीं है कि भाई आपने जो है बात को समझा नहीं है और आप उससे पहले ही जो है उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं और जो है अपने विचार अभिव्यक्त करने लग जाएं, राष्ट्र के विरुद्ध जो है अनाप शनाप बातें बोलने लग जाएं, तो ऐसा कर्तव्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा जरूर करनी चाहिए, प्रोटेक्शन करनी चाहिए पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसकी। कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे रेल, डाक, तार, रेल, तेल के कुएं, पेट्रोल पंप, इन आदि को, इन सब चीजों को नष्ट होने से बचाना चाहिए, तोड़फोड़ से बचाना चाहिए। जैसे मैक्सिमम क्या होता है कि अगर मान लो जब भी कोई जो है, अगर मान लो कोई प्रोटेस्ट करनी है सरकार के अगेंस्ट, तो उसमें जो है उस दौरान भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सरकारी संपत्ति जो है उसको नुकसान न पहुंचाया जाए, क्योंकि ये जो सरकारी संपत्ति है बेटा ये जो है पब्लिक के टैक्सेस के द्वारा ही जो है वो मेंटेन रहती है। उनको जो है पब्लिक से टैक्स लेकर के ही उनको खड़ा किया जाता है, तैयार किया जाता है, लोगों को दिया जाता है उनको एक फैसिलिटी के रूप में। और अगर जो है नागरिक किसी भी सिचुएशन में आकर के या कभी भी ऐसे ही जो है इस प्रकार की जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाएगा, तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में जो है
उसको दंड भी मिल सकता है, उसको दंड भी दिया जा सकता है। जैसे रूस में जो देखो, रूस के अंदर क्या है, रशिया के अंदर क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना एक संवैधानिक कर्तव्य है तथा इसके दोषी को मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। समझ गए आप बात, कि जो हमारे पब्लिक प्लेस है उनको साफ सुथरा रखना चाहिए, उनको गंदा नहीं करना चाहिए, उन पर तोड़फोड़ नहीं मचानी चाहिए। तो ये तो सब हो गए हमारे कानूनी कर्तव्य। ठीक है, आप कोई भी 6-7 आप याद कर लीजिए जो भी आपको इजी टू लर्न लग रहे हैं उनको। उसके बाद नैतिक कर्तव्य देखो, अच्छा आदमी बनना, अपने प्रति कर्तव्य रखना, परिवार के प्रति कर्तव्य, पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य, इन सबको आप अच्छे से रीड कर लेंगे। और इसमें से जो है दो दो तीन तीन लाइनें, 4 लाइनें आप याद कर लेंगे, ज्यादा इसमें से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, ये जो हमारा इम्पोर्टेंट है टॉपिक, ये कई बार 4 नंबर में पेपर में आ जाता है कि अधिकारों और कर्तव्यों के आपसी संबंध। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप अपनी बुक पर मेंशन कर लीजिए। तो अधिकारों और कर्तव्यों में जो है बहुत ही गहरा संबंध है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अधिकार और कर्तव्य क्या है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। समझ गए, अधिकारों के बिना जो है कर्तव्यों का कर्तव्य महत्वहीन है और कर्तव्यों के बिना अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के बिना क्या है, इनका अस्तित्व ही संभव नहीं है। जो लोग अधिकारों को एक पक्षीय मानकर चलते हैं वे क्या करते हैं, वो बेटा गलती करते हैं। वो इस धोखे में है कि हम अधिकार अधिकार हमें मिल जाए और कर्तव्यों का पालन ना करना पड़े। तो अगर सभी ऐसे सोचने लग जाएंगे तो ऐसी स्थिति में ये पॉसिबल ही नहीं है कि सब लोगों को उनके अधिकार प्राप्त हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है जब कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाएगा तो अधिकार कैसे प्राप्त होंगे, समझ रहे हो आप। वास्तविकता में इन दोनों में क्या है, शरीर और आत्मा का संबंध है। ग्रे महोदय ने क्या कहा है के अधिकारों को कर्तव्यों का पूरक बताया है। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने क्या कहा है, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये एग्जाम्स में जो है आपके ये स्टेटमेंट आ जाती है एक एक नंबर की, के अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये किसने कहा है, तो डॉक्टर बेनी प्रसाद ने कहा है। ग्रे ने क्या कहा है कि अधिकारों को कर्तव्यों का पूरक बतलाया है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अब इसके जो है अपने बात को प्रूव करने के लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जैसे देखो, प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा है, एवरी राइट हैज अ कोरस्पॉन्डिंग ड्यूटी। तो अगर हम अधिकार चाहते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली अपने कर्तव्यों को पालन करना पड़ेगा। अगर जो है हम बाजार से चीज खरीदना चाहते हैं तो हमें उसके लिए दाम चुकाने ही पड़ेंगे। समझ गए आप, ये बहुत ही इजी ये बात है कि अगर आप बाजार से कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पैसा देना ही होगा। जैसे प्रोफेसर लास्की की डेफिनेशन है कि मेरे अधिकार के साथ मेरा कर्तव्य भी है कि मैं तुम्हारे अधिकार को भी स्वीकार करूं। जो दूसरे का अधिकार है वही मेरा कर्तव्य है। ठीक है, ये लास्की की डेफिनेशन हो गई है। देखो यदि क्या कहते हैं, देखो यदि हमें जीवित रहने, संपत्ति रखने और भाषण देने की स्वतंत्रता का अधिकार है तो हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम दूसरों को जिंदा रहने दें। ठीक है, उनकी संपत्ति को नष्ट ना करें, उनको अपशब्द ना कहें। ठीक है, जैसे आपको जो भी स्वतंत्रताएं मिली हुई है, मैंने स्वतंत्रता चैप्टर में पढ़ाया है कि आप अपनी स्वतंत्रताओं को प्रयोग करते समय जो है स्वच्छंद या निरंकुश नहीं बन सकते हैं। आपको जो है स्वतंत्रताएं इस रूप में मिली हुई हैं जिनके ऊपर क्या है, जिनके ऊपर सीमित बंधन है, उनके ऊपर कुछ बंधन लगाए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल जो है बाउंडलेस लिबर्टी जो है बाउंडलेस नहीं होती, उसके कुछ ऊपर कुछ बाउंडेशन होती है। ओके, अब देखो, इसलिए हमारा धर्म है कि हम दूसरों के प्रति क्या करें, अपने कर्तव्यों को भी अदा करें। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरीके का एनवायरनमेंट बन जाएगा। जो शक्तिशाली है केवल बेटा उसी का क्या हो पाएगा, केवल उसी का विकास हो पाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। दूसरा, एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है, राइट ऑफ वन इज अदर्स ड्यूटी। एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है, सीधी सी बात है इसमें। जैसे कि भाई जो है डॉक्टर बेनी प्रसाद ने कहा है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो किसी व्यक्ति को उसका अधिकार तभी मिल सकता है जब दूसरे उसको ऐसा करने का अवसर दे। ठीक है, अगर मान लीजिए अब आपको जो है बाजार जाना है और कुछ सामान खरीद के लाना है, लेकिन अगर आपको जो है बाजार जाना ही जाने ही नहीं दिया जाएगा तो फिर कैसे आप बाजार जाएंगे। भाई बात समझ में, आपको मार्केट में जो है कुछ खरीदना है लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो आप कैसे खरीद पाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ भी इसी प्रकार जो है, जैसे मुझे संपत्ति रखने का अधिकार तो दिया गया है सरकार ने, ऐसा संपत्ति रखने का अधिकार तो है, लेकिन अगर कुछ लोग शक्तिशाली लोग जबरदस्ती आके मेरी संपत्ति छीन लेंगे, हैं उस पर कब्जा कर लेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो है क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में जो है फिर ये जो मुझे अधिकार मिला हुआ है संपत्ति रखने का, ये नष्ट हो जाएगा।
ठीक है बेटा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो है सभी व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को महत्वपूर्ण समझे। उसके बाद प्रत्येक अधिकार एक नैतिक कर्तव्य भी है। एक जो प्रत्येक अधिकार होता है वो एक नैतिक कर्तव्य भी है कि एवरी राइट इज ए मॉरल ड्यूटी आल्सो। अधिकार केवल व्यक्ति के विकास का साधन ही नहीं होता बेटा, वन समाज के हित को बढ़ाने का उपकरण भी है। कि अगर जो है समाज के हित को, यानी कि समाज के अंदर जो है इस प्रकार का जो है एक माहौल पैदा करना चाहते हैं कि जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो, तो उसके लिए जरूरी है कि सभी को क्या होने चाहिए, सब लोग जो है अपने अधिकारों का नैतिकता के दायरे में रह करके प्रयोग करें। जैसे संपत्ति रखने का अधिकार हमको दिया गया है, ठीक है, लेकिन संपत्ति रखने में जो है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा पूंजीपति व्यक्ति है जो जमाखोरी, भ्रष्टाचारी और सभी जो है उल्टे सीधे तरीके अपना करके उसने संपत्ति जोड़ ली है, तो क्या वो सही है? वो उसका अधिकार, वो जिस तरीके से अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है, क्या वो सही है? क्या वो नैतिक है? वो बिल्कुल अनैतिक है। जैसे मान लीजिए अगर रोड पे चलने की आपको, सड़क पर चलने की आपको अधिकार है, लेकिन अगर आप यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या इस तरीके से आप अगर रोड पर जो चल रहे हैं तो क्या आप ठीक कर रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या हो सकता है, आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं और आप किसी और को भी दुर्घटना का शिकार बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी बात है कि प्रत्येक अधिकार क्या है, उसके अंदर एक नैतिक कर्तव्य भी बसा हुआ है कि जो भी अधिकार हैं उनको एक लिमिट के अंदर प्रयोग करना है, अनैतिक नहीं हो जाना है। अधिकार एक कानूनी कर्तव्य भी होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, राइट इज ए लीगल ड्यूटी आल्सो। राज्य अपने नागरिकों को कई प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ अधिकारों का प्रयोग करना कानूनी तौर से अनिवार्य भी कहा जाता है, ठीक है, जैसे मताधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, अवकाश प्राप्त करने का अधिकार है। एक एग्जाम्पल भी डाला गया है आपकी बुक में कि अगर जैसे ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री के अंदर क्या सिस्टम है बेटा, अगर आप वोटिंग डे वाले जिस दिन जो है पूरा हॉलीडे रहता है उस दिन, अगर उस दिन जो है वोटिंग डे वाले दिन जो है आप वोट डालने नहीं जाते हैं, तो ऐसे में क्या हो सकता है, आपको दंड दिया जा सकता है, ठीक है। रूस में जैसे अवकाश ग्रहण करना और काम पाना आदि जो है कानूनी तौर पर अनिवार्य है कि भाई आपको जो है छुट्टी लेना, परिवार के साथ, फैमिली के साथ टाइम बिताना, ये है जो है वो ज्यादा जरूरी है। जैसे भारत में भी दुकानदारों की, आपको सब बच्चों को पता है कि जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको भी क्या है कि सप्ताह में एक दिन की छुट्टी जो है उनकी मनाना उनका अनिवार्य होता है, ठीक है। कई बार जो है अगर उन्होंने छुट्टी वाला दिन अपना शॉप खोल रखा होता है तो म्युनिसिपैलिटी वाले आकर के उनकी शॉप को बंद करवा सकते हैं, उन पर जुर्माना भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे अधिकारों के अंदर क्या है, एक कानूनी कर्तव्य भी होते हैं हमारे अधिकार। राज्य अधिकारों की रक्षा करता है, तो नागरिकों का कर्तव्य राजभक्त रहना है, ठीक है। ये बिल्कुल इजी सी बात है कि अगर जब जब जो है राजा मुझे मताधिकार प्रदान करता है, तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं योग्य व्यक्ति को ही चुनने में उसका प्रयोग करूं, कि हमारे को जो भी अधिकार मिले बेटा हमें उसका जो है पूरे विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना है। अधिकार का अंतिम लक्ष्य है कर्तव्य की पूर्ति है। ड्यूटी इज एंड ऑफ राइट्स है कि अधिकार केवल अधिकार ही नहीं होते हैं, अधिकार केवल अधिकार के लिए नहीं मिलते हैं। यदि हम अधिकार के लिए दावा करेंगे और कर्तव्यों की उपेक्षा करेंगे, तो हमारे अधिकार क्या हो जाएंगे, वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। कि हमारे को जो है अपने कर्तव्यों की तरफ भी ध्यान देना है, केवल जो है अधिकार अधिकार मांगते नहीं रहना है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको कोई अधिकार प्राप्त है, तो हमें उसको जो है पूरी सही तरीके से उसको कर्तव्य के रूप में उसका पालन करना चाहिए। जैसे मताधिकार क्या है, जब हमारा एक कर्तव्य भी है और एक हमारा अधिकार भी है, ठीक है। तो अधिकार है आप, तो इस नाते जो है आप अपने वोट का प्रयोग कीजिए। कर्तव्य है, इसलिए जो है आप अपने वोट का पूरे विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग कीजिए, सही और योग्य व्यक्ति को एज ए रिप्रेजेंटेटिव चुन करके जो है सरकार में शामिल करवाइए, ठीक है। इस तरीके से होता है। उसके बाद देखो बेटा, अधिकारों तथा कर्तव्यों का एक ही लक्ष्य, अधिकारों तथा कर्तव्यों का लक्ष्य क्या है, एक ही है, एक ही लक्ष्य है, सेम एम ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। दोनों का लक्ष्य क्या है, लोग व्यक्तियों के अधिकतम जीवन की सुखी करना, समाज के अंदर शांति स्थापित करना, देश की उन्नति करना, सभी अधिकार और कर्तव्यों का एक ही लक्ष्य है, ठीक है। उसके बाद अधिकार व कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बार बार बता दिया गया है ये वाली बात आपको, कि डॉक्टर बेनी प्रसाद ने ठीक ही कहा है कि अधिकार और कर्तव्य एक वस्तु के दो पक्ष हैं। जब कोई व्यक्ति उन्हें अपने दृष्टिकोण से देखता है तो वे अधिकार हैं, और जब दूसरे के दृष्टिकोण से देखता है तो वे कर्तव्य है, ठीक है। जैसे जो है
अगर आप मार्केट में सामान खरीदना चाह रहे हो, तो अगर मान लीजिए आप एक किसी दुकानदार से कोई सामान खरीदना चाहते हो, तो कि ये जो है आपका अधिकार भी है कि आप उस दुकानदार से सामान खरीदें। तो दूसरी तरफ से जो है ये जो उस दुकानदार का ये कर्तव्य भी है कि अगर उसने दुकान बनाई है तो वो आपको सामान दे, सामान देने से मना ना करे, ठीक है, लेकिन आप बदले में उसको जो है पैसे भी देंगे। तो यानी कि अपना अधिकार और कर्तव्य दोनों एक साथ कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हम इंक्लूड करते हुए इसको ये कह सकते हैं बेटा कि दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी हैं और दोनों ही जो है एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यदि जो है कोई व्यक्ति अधिकार का पालन करना चाहता है तो उसे कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देखो ये 6 नंबर में 4 नंबर में इस तरीके से आ सकता है, तो आपको इसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, और बेटा सभी टॉपिक्स जो है बुक के अंदर मैं निशान लगा देती हूँ, तो आप उस हिसाब से देखते हुए चला करो बुक के अंदर। और बाकी जो है आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ साथ याद करते चलिए। आप ये मत सोचिए कि दिस इज लॉकडाउन और वी एम नाउ वी आर फ्री। आप बिल्कुल भी फ्री नहीं है, आपकी बहुत ज्यादा ये ड्यूटी है, आपका ये अधिकार है कि हम आपको पढ़ाएं, और हमारा ये कर्तव्य है कि हम आपको पढ़ाएं, समझ गए। दूसरी तरफ सेम इसी बात पर ये लगा के देखिए कि आपका भी ये कर्तव्य है कि आप पढ़ें, और हमारा भी ये अधिकार है कि हम आपसे पूछ सकते हैं कि आपने क्या पढ़ाई की है, समझ रहे हैं आप। आप एज एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में इसको कैसे कोरिलेट करके इस टॉपिक को समझ सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि अधिकार और कर्तव्य जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हमें टीचर्स पढ़ाएं, तो आपका ये जो है अधिकार है, तो साथ में आपका ये कर्तव्य भी है कि आप सारी चीजों को टाइम से पढ़ें, लर्न करें, चीजों को समझें। अंडरस्टैंड, ये सब क्या है, ये आपस में ये दोहरा जो है इस तरीके से ये द्विपक्षीय जो है ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट है कि आप अधिकार और कर्तव्य जो है एक साथ काम करते हैं। अगर आप अधिकार की बात कर रहे हैं तो आपको कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए, और अगर आप कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तभी जो है आप अधिकारों की उपभोक्ता के रूप में जो है अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।